नमस्कार दोस्तों, PCS पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एक विशेष जानकारी, एक विशेष सूचना आप लोगों को देनी है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि UP TET और CTET दोनों होने वाला है। नवंबर में संभावित है UP TET की परीक्षा हो जाए, नवंबर फर्स्ट में, और दिसंबर फर्स्ट में CTET होगा। देखिए दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा अवसर है और एक बहुत बड़ी तैयारी है, क्योंकि इस बार UP TET में कम से कम 20 लाख लोग बैठेंगे UP TET में, और CTET में भी बहुत ज़्यादा लोग बैठ जाएंगे। देखिए दोस्तों, पहले बात तो हम लोगों को यह जानकारी ले लेनी है कि UP TET और CTET में अंतर क्या है। देखिए, अगर आप CTET क्वालिफाई हैं, जूनियर या प्राइमरी, अगर आप CTET क्वालिफाई हैं, तो आप केंद्र स्तर की जितनी भी अध्यापकों की भर्ती निकलेगी, उन सभी में आप एलिजिबल हैं। यहाँ तक कि केंद्र में ही नहीं, राज्य में भी कहीं अगर निकलेगी, और अगर वहाँ उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए कुब्रियता दी जाएगी, तो वहाँ पर भी आप एलिजिबल हैं, पूरी तरह से योग्य हैं, आप प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं वहाँ पर। तो CTET हर जगह एलिजिबल है, और CTET अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो CTET, और उसके बाद अगर आप UP TET करना चाहें, तो फिर तो UP TET करेंगे, तो फिर UP TET में ही फाइट करेंगे। लेकिन अगर UP में अच्छी खासी अध्यापकों की भर्ती आने वाली है PRT में और TGT में, इसलिए UP TET को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो UP TET और CTET दोनों ही महत्वपूर्ण है। और यह भी सुना जा रहा है कि जो साल के आखिरी में, वर्ष 2019 के अंत में, अच्छी खासी 60,000 से 70,000 वैकेंसी प्राइमरी में आने वाली है, जिसमें BEd और BTC दोनों को चांस मिलेगा। तो यह भी सुनने में आ रहा है, और ऐसी जानकारी मिली है कि इस बार जो UP TET होगा, सिर्फ UP TET ही होगा, और उसी के बेस पे मेरिट बनाकर अध्यापकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा नामक कोई परीक्षा नहीं होगी, जिसे आप सुपर टेट बोलते हैं। तो सुपर टेट शायद इस बार ना हो, सुपर टेट नहीं होगा, केवल UP TET होगा। और UP TET तगड़ा होगा, बहुत ही तगड़ा होगा, उसका लेवल बढ़ाया जाएगा UP TET का। तो आप लोग यह जान लें कि इस बार UP TET में अच्छी खासी मेहनत करनी है, और अच्छी खासी मेहनत करिए आप लोग, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर लें, और आप अगर मेरिट बनती है तो उसमें आप उच्च हों, सबसे ऊपर हों आप, तो UP TET में अच्छा नंबर लाना है। देखिए, हमें तो सबसे बड़ा ताजुब यह होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, हमें सबसे बड़ा ताजुब यह होता है जब कोई यह कहता है कि UP TET में वह असफल है या CTET में असफल है, और बहुत ज़्यादा लोग मिल जाएंगे। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो एक बार नहीं, दो दो तीन तीन चार चार बार CTET या UP TET दे चुके हैं, और वह नंबर नहीं प्राप्त कर पाए हैं अच्छे खासे, वह हमेशा फेल हो गए हैं, वह हमेशा असफल हो गए हैं, वह हमेशा 70, 72, 74, 64, 65 इसी पर अटक गए हैं, और लगातार। और मैं नहीं समझता हूँ यह इतनी बड़ी परीक्षा है कि कोई UP TET या CTET ना पास कर पाए। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, ज़्यादा नहीं, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ते हैं, तो ज़्यादा नहीं, बिल्कुल आप 60 दिन, केवल 60 दिन जीतोड़ ताबड़तोड़ तैयारी कर दीजिए UP TET के लिए या CTET के लिए। निकलेगा ही निकलेगा, UP TET या CTET आपका निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। UP TET कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, या CTET कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपका बिल्कुल निकल जाएगा, अगर आप 60 दिन जीतोड़ ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आज और अभी से यह वीडियो देखने के बाद, अगर कल सुबह से ही आपने संघर्ष अपना शुरू कर दिया, तो आप एग्ज़ाम हाल में आप जब परीक्षा देंगे, तो उसमें आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और अपने को छोटा मत समझिए, अपने को कम मत आंकिए। स्वामी विवेकानंद को आप लोग जानते होंगे, वह भारत ही नहीं, पूरे एशिया ही नहीं, पूरे विश्व के सबसे बड़े दार्शनिक मैं मानता हूँ, पूरे आधुनिक भारत में या आधुनिक विश्व में सबसे बड़े दार्शनिक, सबसे बड़े फिलासफर थे स्वामी विवेकानंद। और उनकी एक पंक्ति है, उनकी एक लाइन है कि अगर तुमने प्रण कर लिया पर्वत को खा जाना है, तो तुम खा सकते हो, तुमने सोच लिया कि समुद्र को पी जाना है, तो तुम पी सकते हो। सब कुछ सोचने और समझने पर निर्भर करता है बंधु। तो इसलिए अगर आपने सोच लिया, आज और अभी से सोच लिया कि UP TET निकालूंगा ही नहीं, बल्कि UP TET में बहुत ही अच्छे खासे नंबर रहेंगे मेरे, 80% से ऊपर रहेगा, 115-120 नंबर रहेगा कम से कम 150 में, या CTET में भी 100+ रहेगा, तो अगर आपने सोच लिया, तो आप मान कर चलिए आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और आप प्रदर्शन ही नहीं करेंगे, जब मेरिट बनेगी तो आप उच्च होंगे, उसमें सर्वोच्च शिखर पर होंगे आप। तो यह कुछ सोच कर रहेंगे, तो बहुत कुछ उपलब्धि हासिल हो सकती है। और अपने को कम मत आंकिए,
आप अच्छा मेहनत कर सकते हैं, तो UPTET या CTET। तो दोस्तों मेरी तरफ से क्या तैयारी है मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोग को पता होगा कि हमारा जो चैनल है PCS पाठशाला है, PCS पाठशाला हमारा चैनल है और इसमें तमाम तरह की सामग्रियां दी जाती हैं। तो इस बार हमारा चैनल PCS पाठशाला, हमारा नहीं, हमारा मतलब हम सब का, आप सभी का, तो आप सभी का यह जो चैनल है PCS पाठशाला, एक नए अभियान, एक नए उम्मीद के साथ अब आगे बढ़ेगा। और इस बार हम UPTET की धाकड़ क्लास लाने वाले हैं, धाकड़ जी तोड़ ताबड़तोड़ मेहनत कराई जाएगी, ताबड़तोड़ तैयारी कराई जाएगी। और हमारे साथ हम ही नहीं हैं, केवल सिर्फ हम ही नहीं हैं, हमारे साथ हमारी पूरी टीम है, पूरी की पूरी टीम है हमारे साथ, कम से कम 2 से 3 अध्यापकों की टीम है जो आपकी सिर्फ हिंदी या फिर पर्यावरण, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, मनोविज्ञान सब कुछ क्लियर कराया जाएगा, सब कुछ कंप्लीट कराया जाएगा। और हम सिर्फ आपको कंप्लीट ही नहीं कराएंगे, यहाँ तक कि जब एक अध्याय ख़त्म हो जाएगा तो उससे संबंधित एक सारगर्भित टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाएगी। और वह टेस्ट सीरीज बिल्कुल निःशुल्क होगी, बिल्कुल निःशुल्क होगी वह टेस्ट सीरीज। जो टेस्ट सीरीज आपको इलाहाबाद, पटना या दिल्ली में जाने पर जो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हैं, 2 से 3 हज़ार रुपये लग जाते हैं। आप कोचिंग के नाम पर, आप पता करिए कोचिंग के नाम पर, बनारस में इतनी लूट मची हुई है। एक कोचिंग संस्थान का मैंने जब जिक्र किया तो वहाँ जानकारी मिली कि वह कोचिंग संस्थान 8 से 9 हज़ार रुपये लेता है और बाकी सभी कोचिंग संस्थान लेते हैं 8 से 9-10 हज़ार करीब लेते हैं। और यह सभी चीज़ अगर आपको निःशुल्क मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम सब कुछ आपको निःशुल्क देंगे, जो चीज़ आपको पे करना पड़ता है, 2-3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपया खर्च करना पड़ता है, आपको इलाहाबाद, पटना, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बनारस जाकर रूम लेकर पढ़ना पड़ता है। और फिर रूम लेने में भी कितनी, अगर आप 6 महीने अगर आप रूम लेते हैं और फिर कोचिंग देते हैं और रूम का मैनेजमेंट करते हैं, कम से कम 70-80 हज़ार रुपया लग ही जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। और वो जो सब रुपए लगते हैं वो सभी रुपए आपके बच सकते हैं, जब घर बैठे ही सारी तैयारी हो सकती है सिर्फ मोबाइल के माध्यम से, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, तब इतना भटकने की आवश्यकता क्या है। तो हम आपके साथ हैं और परीक्षा होने तक हम आपके साथ रहेंगे, परीक्षा होने तक ही नहीं, हम नियुक्ति तक आपके साथ रहेंगे। जब तक आप अच्छा प्रदर्शन न कर दें तब तक हम आपके साथ हैं, बिल्कुल रहेंगे। और हम सभी युद्ध स्तर पर मेहनत करेंगे और सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा यह प्रयास तब तक अधूरा रह जाएगा जब तक आप हमारे साथ नहीं होंगे, क्योंकि यह चैनल इतना बड़ा नहीं है। अगर मान लीजिए आज मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊं, आज मैं अपनी पूरी टीम इकट्ठा कर लूं और जब मैं कोई वीडियो डालूं तो उसमें ज़्यादा लोग न हों, ज़्यादा लोगों तक न पहुँच पाए, तो हमारा मनोबल भी डाउन होगा। तो हमारा मनोबल डाउन न हो पाए, मैं आपको सब कुछ दूंगा, बदले में आपसे बस यही चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करिए और हमारी जितनी भी सामग्रियां हैं उसको शेयर करिए, चाहे आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे फेसबुक ग्रुप हो। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और जल्द से जल्द जुड़ जाइए। हम 1 सितंबर से प्रयास करेंगे कि 1 सितंबर से ऑनलाइन क्लास ला दें, बिल्कुल ला दें 1 सितंबर से। हम सुन लीजिए, 1 सितंबर से मैं ऑनलाइन क्लास ला रहा हूँ और मैं वीडियो डालता रहूँगा। अगर ऑनलाइन ही नहीं रहेगा, अगर ऑनलाइन नहीं रहेगा तब भी मैं वीडियो डालता रहूँगा, या ऑनलाइन हो या फिर वीडियो डालता रहूँगा। और आपको कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका कमज़ोर है तो इससे उदास होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल उदास होने की आवश्यकता नहीं है। इस बार आर्या पार होगा, इस बार जो UPTET नहीं निकला है या CTET नहीं निकाला है अब तक, वह लिख कर ले कि वह मेरे साथ रहे, परीक्षा होने तक मेरे साथ रहे। अगर उसने असाधारण प्रदर्शन नहीं किया तो फिर कहिएगा। हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत ही अच्छी कविता है, आप सब लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा, और बहुत सारे युवाओं का प्रेरणा स्रोत है वो कविता। उसकी 2 पंक्तियां हैं कि किस्मत की कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि कोशिश करने वालों की भी हार हो जाती है कभी कभी। अब यहाँ नकारात्मक मत सोचिएगा, मैं बता रहा हूँ, कोशिश करने वालों की भी हार हो जाती है। सिर्फ कोशिश करना ही काफ़ी नहीं होता है, आप खुद सोचिए, क्या दशानन रावण जो था उसने कोशिश नहीं किया था? उसने पूरी तरह से कोशिश किया था कि वह भगवान राम को परास्त कर सके, वह नारायण को अपने अधीन कर सके, वह बैकुंठ को जीत सके। सहस्रबाहु ने भी कोशिश किया कि वह परशुराम को पराजित कर सके,
वह तीनों लोकों में अपना साम्राज्य स्थापित कर सके। कोशिश तो दुर्योधन ने भी किया था, कौरव ने भी कोशिश किया था कि वह पांडवों को अपने अधीन कर सके, और वह सूई की नोक के बराबर भी भूमि न देने को तैयार था पूरे कौरव। लेकिन क्या कोशिश करना ही काफ़ी हो गया उनके लिए? सिर्फ कोशिश करने से कुछ नहीं होता है मित्रों, केवल कोशिश नहीं, आपको संकल्प करना होगा, आपको भीष्म प्रतिज्ञा लेनी होगी। दृढ़ संकल्पित होकर आप हमारे साथ जुड़िए और फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। ठीक है दोस्तों, 1 सितंबर से हम क्लास लाने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बिल्कुल शेयर करिएगा, रिक्वेस्ट है। हम जल्द से जल्द हम चाहेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएँ ताकि मेरा मनोबल बढ़े, और मेरा मनोबल अगर बढ़ेगा तो हम भी आपके साथ रहेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, शुभ संध्या।